नशा इंसान को जानवर भी बना सकता है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक पति ने शराब के नशे में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर पत्नी को ऐसी मौत दी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर अधिकारियों की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिरोजाबाद के मक्खनपुर थाना क्षेत्र के अकलपुर गांव का है, जहां के निवासी सुरजीत से रेशमा की शादी करीब 10 वर्ष पहले हुई थी। रेशमा का मायका इटावा जिले के शेखुपुर सरैया गांव में है। दो दिन पहले सोमवार की शाम ड्यूटी से आने के बाद सुरजीत ने अपने भाइयों के साथ मिलकर हैवानियत की हदें पार कर दी। शराब के नशे में वह यह भी भूल गया कि रेशमा उसकी पत्नी है। पहले तो उसने रेशमा को रस्सी से बांधा, इसके बाद लकड़ी की फंटी से बेरहमी से पीटा, फिर कई जगह दांतों से काटा। इसके बाद भी उसके अंदर का हैवान शांत नहीं हुआ तो प्राइवेट पार्ट में उसने बेलन डाल दिया। पोस्टमार्टम के दौरान विवाहिता के पेट में यह बेलन मिला है। उसके पेट में बेलन देख पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारियों के हाथ कांप गए। जिसने भी यह सुना वह सन्न रह गया। अकलपुर दामोदरपुर, वहां पर एक महिला की डेथ 5 तारीख को हो गई थी। उसकी हत्या की सूचना के आधार पर दिनांक 6 तारीख को सुसंगत धाराओं में मुकदमा थाना मटसेना में पंजीकृत किया गया था। इसमें महिला के भाई द्वारा पति सहित तीन सगे भाइयों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। पीएम के बाद इसमें मृत्यु का कारण हेड इंजरी आया था। इसके साथ ही साथ पीएम में उस महिला के एब्डोमिन में बेलन भी मिला था। इसमें जो पति है वो गिरफ्तार कर लिया गया है तथा इसमें अन्य जो नामित अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। पुलिस भी इस बात को सुनकर भौचक्की रह गई। पुलिस ने मृतक रेशमा के भाई की तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज करके आरोपी सुरजीत को दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, क्या हुआ था? कितने मारा है? उसके उसकी वजह से मौत हुई है। अभी ये मतलब कि उसके चोट देखने से ही लग रहा है कि उसी की वजह से मौत हुई है। उसके भाई अभी फरार चल रहे हैं। एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा ने बताया कि हत्यारे सुरजीत को दबिश देकर गिरफ्तार किया है। अन्य तीन की तलाश की जा रही है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सी न्यूज के लिए फिरोजाबाद से मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट।